इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस चेयर की प्राइस क्या है, ये चेयर आप कहाँ से ले सकते हैं और इसकी क्वालिटी कैसी है, और मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू आप लोगों को दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इब्राहिम बड़ाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो इस गेमिंग चेयर का रिव्यू है। मैंने कुछ पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट की थी, जिसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये चेयर आपने कहाँ से ली है, कितने की ली है और इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका एक रिव्यू दें शॉर्ट सा। तो कुछ लोगों को मैंने रिस्पॉन्स किया था, कुछ लोगों को मैं नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, डिटेल वीडियो। तो सबसे पहले कलर जो मैंने ये चूज़ किया, इसकी वजह आप लोग जानते होंगे या मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे ऑफिस का जो इंटीरियर है उसके अकॉर्डिंग है, उसमें सिर्फ 3 कलर्स यूज़ हुए हैं, रेड, ब्लैक और वाइट। और मेरी जो बाकी पीछे आप ब्लाइंड देख रहे हैं ये भी रेड एंड ब्लैक हैं, इसीलिए मैंने ये कलर चूज़ किया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसके अभी फ़ीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो इसका मज़े का फ़ीचर है कि ये पूरी आपकी चेयर जो है, जैसे आपकी गाड़ी की बैकरेस्ट होती है वो पीछे हो जाती है, ये ऐसे हो जाती है, तो इसको आप पूरा पीछे लेके जा सकते हैं, तो आप इस पे लेट भी सकते हैं। तो ये टोटली एडजस्टेबल है। उसके बाद जो नॉर्मल एक चेयर में फ़ीचर्स आते हैं इसका, जो आप इसकी हाइट वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो इसमें है। अब इसमें एक और जो मज़े की चीज़ है, जब गेमिंग आप कर रहे होते हैं तो जो ऐसी आर्म्स होती हैं कि जो फिक्स होती हैं तो आपके बाजू दर्द करने शुरू हो जाते हैं, तो इसमें ये चीज़ ऐसे एडजस्टेबल है, तो ये आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसकी हाइट भी एडजस्टेबल है इस आर्म्स की, इसको आप नीचे भी कर सकते हैं और इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं अपने टेबल के एंगल के मुताबिक। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पर गेमिंग कर रहा हूँ तो मैं इसकी हाइट कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अब अगर इसकी हाइट ये नीचे होती, अगर कोई स्टैंडर्ड चेयर होती जिसमें ये एडजस्टेबल ना होता, तो मुझे ऐसे करके ये माउस पकड़ने में बड़ा मसला हो रहा है। तो अब ये मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो अभी बिल्कुल इजीली मैं अपने माउस को यूज़ कर पा रहा हूँ, और मतलब इसके लिए गेमिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सेकेंडली जो टॉप ऑफ द रीज़न है इस चेयर को लेने की मेरे लिए, मैं कोई प्रो गेमर नहीं हूँ या मेरा मकसद गेमिंग के लिए इस चेयर को लेना नहीं था, मैंने कम से कम एक दिन में 10 घंटे जो है ना इस चेयर पे गुजारने होंगे, तो यहाँ अगर कोई भी चेयर यहाँ पे होती तो कंफर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ताकि मैं ज़्यादा टाइम काम कर सकूँ और मेरी बैक में पेन ना हो या ऐसा कुछ ना हो। मेरे बहुत सारे अपने रिलेटिव्स में कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका सारा दिन ऑफिस में इस तरह से बैठ के काम करने की वजह से या डिफरेंट कुछ रीज़न्स की वजह से उनकी बैक में बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, और अभी वो डॉक्टर्स और उन चीज़ों में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको शफा दे। तो ये उस लिहाज से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक इसमें ये है, ये भी एडजस्टेबल है, मैं आपको इसका दिखाता हूँ इसको ज़रा, ये चीज़ है, आप इसको ऐसे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये कुशन है, तो ये जहाँ पे आपकी नेक आपको बेटर फील हो, आपकी ये नेक को रेस्ट दे रहा है, तो वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसकी लंबर सपोर्ट है, इसको आप ये भी एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप मतलब करना चाहें अपनी कमर के लिहाज से, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, और ये यहाँ पे नेक आ गई, तो ये लाइक इस तरह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी क्रीम से आपको अगर दिखा देते हैं तो ये इसके ऊपर ग्लोबल रेजर का इसके ऊपर वो स्टिचिंग हुई हुई है, जो कि बहुत एक अच्छी क्वालिटी में है, लेदर क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मैं कम से कम इस चेयर को 3 से 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी इसकी ये कंडीशन है, कहीं से इसका जो फोम है ये लेदर है वो ख़राब नहीं हुआ है, कहीं से ज़्यादा बैठी नहीं है चेयर, तो लाइक ओवरऑल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही है ये चेयर। ये यहाँ पे इसका जो है एडजस्ट करने के लिए, जैसे आपकी गाड़ी में होता है या कुछ इस तरह से होता है, तो ये आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे पुल करके आप इसको पीछे लेके जा सकते हैं, तो ये इसमें है और ये इसकी वो चीज़ है।
और इसके नीचे से जो बेस है वो भी काफ़ी बड़ी है और स्ट्रॉन्ग है, इससे आपको गिरने का वो डर भी नहीं उस लेवल का रहता। और इसके अंदर भी कलर स्कीम जो है वो सेम यूज़ हो रही है, रेड और ब्लैक वाली, और मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वेट बर्दाश्त कर सकती है। मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई कैन स्टिल इमेजिन कि अगर थोड़ा ज़्यादा वेट वाला बंदा भी ये चेयर यूज़ करेगा तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी उसके लिए भी। बैक से ये चेयर कुछ इस तरह की है, अगेन इसके वो भी लेदर है इसमें सारा, और ये टोटली बॉक्स में पैक आती है, बॉक्स में बंद आती है। एक एक इसका जो पीस है वो अलग होता है, तो उसके साथ आप इसको कर सकते हैं, लाइक असेंबल करते हैं इसके साथ, असेंबलिंग गाइड आती है। ये चेयर मैंने जी लाहौर से परचेज़ की है, फिक्स्चर मोबाइल एक ब्रांड है, वो लोग ये ऑफिस फर्नीचर और डिफरेंट चीज़ों में डील करते हैं। उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूँगा, उनकी वेबसाइट, उनके मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह, तो आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट है इस चेयर की, जो प्राइस है वो तकरीबन 22,000 के करीब है, और ये कम तो मुश्किल ही हो लेकिन ज़्यादा हो सकती है इन फ्यूचर ड्यू टू आवर इकॉनमी एंड ऑल दैट। और आप करंट प्राइसेस की ये है, अपडेटेड प्राइसेस के लिए आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप उनको बता दीजिएगा कि हम लाइक इब्राहिम बड़ाइच के रेफरेंस के थ्रू या उनकी वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं, तो आई एम होपिंग कि वो आपको कुछ अच्छा डिस्काउंट भी इस पे दे देंगे। तो दैट्स इट फॉर नाउ। ये चेयर का ओवरऑल जो इन सम अप अगर करें तो रिव्यू ये है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और वर्थ फॉर मनी है। लाइक मैंने जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं बेसिकली अपने कंफर्ट के ऊपर, वो मेरे इस चेयर ने पूरे किए हैं, और आई एम होपिंग कि आप लोगों को भी ये चेयर अच्छी लगेगी। तो दैट्स इट, अपनी दुआओं में याद रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।